चोर पकड़ा गया। एक बार दो मुसाफिर शहर से अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते से अपने गांव वापस आ रहे थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था चंदू। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कुछ दूर चलने के बाद चंदू की नजर राम के हाथ में पहने सोने के सिक्के पर पड़ी। तब चंदू राम से कहने लगा, भाई यहाँ पर चोर हो सकते हैं, तुम अपने कड़े का ख्याल रखना। ये सुनकर राम खुश हुआ और कहने लगा, सही कहा आपने, इस बारे में मैं तो भूल ही गया था। बातें करते करते कुछ देर चलने के बाद वो दोनों धर्मापुरम नाम के एक गांव में आ गए। वहाँ आकर वो दोनों रुक गए और राम ने चंदू से कहा, बस अपना सफर यहीं तक था, अब मुझे दाईं तरफ जाना है, मैं चलता हूँ। भाई मुझे अपने सोने का कड़ा एक बार देखने दो ना, कुछ दिन बाद मैं भी ऐसा ही सोने का कड़ा बनवा लूंगा और ये देख कर लौटा दूंगा। इतनी देर साथ चलने के कारण राम को उस पर भरोसा हो गया था और उसने अपने सोने के कड़े को चंदू को दे दिया। जैसे ही उसने कड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नीयत बदल गई और अब वो कड़ा वापस नहीं देना चाहता था। राम ने जब अपना कड़ा वापस मांगा तो वो कहने लगा कि कड़ा उसका है और वापस नहीं दे रहा था। दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। कुछ देर बाद वहाँ उस गांव में लोग जमा हो गए। गांव में लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। कुछ देर बाद उन दोनों को वो ग्राम पंचायत के पास ले गए। राम ने उनके सामने कहा, पास में ही मेरा गांव है, मैं शहर से वापस जा रहा था अपने गांव, रास्ते में ये आदमी मुझे मिला और कहने लगा कि मेरे कड़े का ख्याल रखना। हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते यहाँ तक आ गए। अब मुझे यहाँ से दूसरी तरफ जाना था। उसने कहा कि एक बार उसे मेरा कड़ा देखना है, ऐसा ही वो एक बनाना चाहता था। मैंने भरोसा करके उसे ये कड़ा दिया था, अब ये मुझे मेरा कड़ा वापस नहीं दे रहा है। तब चंदू ने जवाब दिया, कुछ देर की दोस्ती के लिए क्या कोई इतना भरोसा कर सकता है? आप ही बताइए मुखिया जी, असल में इसकी नीयत मेरे सोने के कड़े को देखकर खराब हो गई है। मुझे सबके सामने चोर बनाकर इस कड़े को ये हथियाना चाहता है। दोनों की बातें सुनने के बाद कड़े को अपने हाथ में लेकर पंचायत के मुखिया ने कहा, कुछ दिन से हमारे गांव के राजा का कड़ा भी नहीं मिल रहा है। ये वही कड़ा है, ये कड़ा जिसने भी चुराया है उसे फांसी की सजा दी गई है। तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? उस गांव के मुखिया डांट कर उसे पूछने लगे। चंदू डरते डरते कहने लगा, मुखिया जी मुझे ये कड़ा आंगन में पड़ा मिला, पता नहीं इसे कोई पक्षी गिरा गया या कोई चोर। तभी राम ने निडर होके जवाब दिया, ये झूठ बोल रहा है, ये कड़ा किसी राजा का नहीं मेरे पूर्वजों का है। मुखिया ने राम को उसका कड़ा दे दिया और झूठ बोलने और धोखा देने के लिए चंदू को पेड़ से बांध दिया और उसे जुर्माना भी लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा देने से हमारा भी नुकसान ही होगा। बेईमान कुत्ता। एक गांव में एक कपड़े का व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक कुत्ता और एक घोड़ा था। जब भी वो शहर कपड़े खरीदने जाता, उस घोड़े पर ही रखकर कपड़े वापस लाता और जब भी कपड़े बेचने जाता तो भी घोड़े पर ही रखकर ले जाता। और वो कुत्ते को अपने घर के रखवाली के लिए रखा था। घर के पास उस कुत्ते को वो छोड़ जाता था। घोड़ा बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनत करता था, पर दोनों को ही वो एक समान देखता था। लेकिन वो कुत्ता बहुत बेईमान था। किसी भी तरह से उस घर से वो भाग जाना चाहता था और एक आजाद जिंदगी जीना चाहता था। घोड़ा हमेशा उसे समझाता था कि ये बात सही नहीं है, पर वो नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक चोर आ गया था और वो उसके घर चोरी करने गया। जब वो व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था तब उसके घर में चोर छुपके से घुस आया। उसने अपनी गाड़ी उस घर के पीछे रखी थी। आंगन में कुत्ता बंधा हुआ था।
वो एक एक करके व्यापारी के कपड़ों के गट्ठों को अपने गाड़ी में भर रहा था। कुत्ते के ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो अपने मालिक को भौंक कर जगा दे। चुपचाप वो चोर को देखते रहा। जब वो आखिरी गट्ठा गाड़ी में रखने वाला था, तब उस कुत्ते ने उसे कहा, दोस्त तुम्हारे इन्हीं हाथों से मुझे भी आजाद कर दो ना। क्यों? मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। तुम्हें अब तक तो पता चल ही गया होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा कि मैं चोर हूँ और तुम्हारे मालिक का सामान चुरा रहा हूँ, फिर भी तुमने अपने मालिक को क्यों नहीं जगाया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक से नफरत करता हूँ, उसका नुकसान हो या फायदा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतनी देर में तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़वाया भी तो नहीं। तुम इसे मेरा एहसान मानकर मेरा काम करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। कुत्ते की बातों को सुनकर चोर फिर से हंसने लगा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान मानूं? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इतने प्यार से पाला, तुम अगर उसी के वफादार नहीं हो तो मेरे वफादार क्या होगे? क्या वो तुम्हारा धर्म नहीं है? तुम जैसे धोखेबाज कुत्ते को पालने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना कहकर वो चोर वहाँ से गट्ठा गाड़ी में रखने चला गया। तब वो कुत्ता सोचने लगा कि चोर की बात बिल्कुल सच थी। ये सोचकर वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर चोर वहाँ सामान छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद व्यापारी कुत्ते की आवाज सुनकर घर के बाहर आया और अपना सामान जमीन पर पड़ा देखा तो उसे अपने वफादार कुत्ते पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से कुत्ता भी बहुत खुश था और मालिक भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी, तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे जेवर सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया,
मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरों से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहन कर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था, और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे, और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरों का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रख कर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भाग कर गाँव वापिस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था, और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है।